हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग। सो मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ और ट्रेन जो है वो हमारी है 8:10 की। और आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सो काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। सो आई एम सुपर हैप्पी। एंड ट्रेन थोड़ी लेट थी हमारी, बट ठीक है, आपको टाइम से ही आना होता है, राइट? क्योंकि कभी कभी ट्रेन जल्दी भी आ जाती है, जल्दी इन द सेंस कि टाइम पर आ जाती है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। सो हम टाइम से पहुँच गए थे और हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऐसे समुद्र दर्शन करने वाली हूँ। दैट्स वाई आई एम सुपर एक्साइटेड। सो इस पूरे ब्लॉग में ना मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कितना बजट होना चाहिए आपका और कितने दिन का ट्रिप होना चाहिए, इवन आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, हम कहाँ कहाँ घूमें, ये सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। सो हमने ना रिज़र्वेशन करवा लिया था काफ़ी टाइम पहले से, और स्लीपर में हमने रिज़र्वेशन करवाया था, जिसमें आपको रायपुर से हमने करवाया था, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सो 350 रुपये पर पर्सन आपको लगेगा इसमें, और जाने और आने हमने दोनों का ही एक साथ करवा लिया था ताकि बाद में कोई इशू ना हो, और हमारे आने का भी टाइम फिक्स था, तो इसलिए हमने दोनों टाइम का करवा लिया था एक साथ। सो आपको ना लगभग वहाँ पे जो ट्रेन का रास्ता है, जो सफ़र आप तय करेंगे, वो लगभग 10.5 घंटों का होगा। और सुबह आप मतलब 8:30 अगर ट्रेन में आप बैठे हैं, तो सुबह आप 7:30 तक वाईजैग में पहुंच जाएंगे विशाखापट्टनम में, राइट? सो बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रैवल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्साइटमेंट के चक्कर में, या फिर बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि मुझे ट्रेन में नींद नहीं आ रही थी, सो उसके चक्कर में मैं रात भर सोई नहीं बहुत, मतलब अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं सोई। और सुबह मेरी आँखें खुल गई बहुत जल्दी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सनराइज़ देख लूँ, और मैं थोड़े देर के लिए ट्रेन के डोर पर आके खड़ी हो गई थी ताकि मैं सनराइज़ देखूं बहुत अच्छे से। और आपको भी दिख रहा होगा सूर्य निकला हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था। और मतलब मेरे लिए स्पेशली ऐसा हो जाता है ना कि डेली मेरा ऑफिस रहता है और वो सारी, मतलब हमारा डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं पाता कि हम बहुत जल्दी सुबह उठ पाएँ। सो रात को लेट सोना होता है, सुबह थोड़ा लेट ही उठना होता है, फिर ऑफिस भागो। सो मैं सनराइज़ देख के बहुत खुश हो रही थी। सो इस तरीके का व्यू देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दूर से ऐसे पहाड़ दिख रहे थे, और सुबह सुबह की हवा जो होती है ना, मतलब उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं सुबह उठूँगी, आई होप कि मैं अब से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठूँ। सो अभी तो फ़िलहाल हम लोग को और लगेगा थोड़ा, एक घंटा, क्योंकि अभी सुबह ही हुई है जस्ट। सो बहुत अच्छा व्यू था और बहुत ही अच्छा लगा। आगे मैं आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगी। तो आप ये फ्लावर देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसे पूरा बागान था आई थिंक, हमें रास्ते में ही जाते हुए दिखा। सो मैं ना एक भी मोमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी, जो ब्यूटीफुल व्यू है वो मैं सारे कैप्चर करना चाहती थी। तो कुछ कुछ जगहों पे मैं भूल भी गई थी कैप्चर्स करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्यू भी दिखे थे हमको। सो फाइनली हम जो है वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो है विशाखापट्टनम जंक्शन पे वो हम पहुंच चुके हैं। एंड देन फिर हम यहाँ से जो है देखते हैं कि आगे क्या मिलता है, फिर उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद ना जैसे हम ट्रेन से उतरे थे ना, सो टैक्सी वाले ऐसे पीछे पड़ते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि उनको हमारा ही इंतज़ार था। हालांकि ये उनका काम है, बट कभी कभी ना बहुत इरिटेशन भी हो जाता है ना अगर आपके पीछे कोई ऐसे पड़ जाए कि हाँ चलो चलो चलो। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं, और वहाँ से फिर हम आ गए थे अपने होटल रूम। अगर आप ना, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जैसे रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाइए, उसके बाद जो लोकल टैक्सी वाले होते हैं ना, ऑटो वाले, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, और वो आपको 20-30 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग चार्ज लेंगे और होटल रूम तक छोड़ देंगे। और हालांकि आप उनसे ये भी हेल्प ले सकते हैं कि वो होटल रूम आपको दिला दे कहीं पे। सो हमारे जो टैक्सी वाले थे उन्होंने हमें ये होटल रूम दिलाया, वो हमें यहाँ तक छोड़े, और फिर ये होटल रूम हमने लिया। ये होटल रूम जो था वो हमारा पर रूम का और पर डे का जो चार्जेस था वो 1300-1400 के अकॉर्डिंग था। हम लोग 6 लोग थे टोटल, तो हमने 2 रूम लिए थे 2 दिन के लिए।
सो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो चार्जेस था वो पड़ा। सो फटाफट से हम जो है वो रेडी हो गए और फ्रेशन अप होके रेडी होके थोड़ा सा रेस्ट करके मैं आ गई थी नीचे। और अब हम जाएंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने ऐसा कुछ खाया नहीं और बहुत तेज़ भूख लगी थी। सो हमको जाना था ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे पहले। सो रेडी होकर हम आ गए हैं और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो थोड़ा सा गर्मी वाला है, क्योंकि हम जैसे अभी रायपुर से आ रहे हैं सो वहाँ पे ठंड आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। तो आप अपने गर्म कपड़े मत लेके जाइएगा। हाँ, आप ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं जब आप ट्रेन में होंगे, जैसे जाने के वक्त आने के वक्त उस टाइम यूज़ कर सकते हैं गर्म कपड़े, अदरवाइज़ उतना ज़्यादा लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा गर्म वाला है। इवन यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी है अभी कुछ ही टाइम पे कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा हो। मतलब हमें तो लिटरली कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं मिली। इवन यहाँ का जो रोड वगैरह भी है ना वो इतने क्लीन हैं और बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ लगी ना वो ट्रैफिक जैम ना होने की लगी, क्योंकि हमारे रायपुर में हमको इतना ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है ना कि इतना इरिटेशन हो जाता है ट्रैफिक जैम देखते हुए। सो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, सामने पहाड़ दिख रहा था, और इस तरीके का व्यू जो है वो कभी कभी ही देखने मिलता है। जस्ट लाइक के अगर मैं गांव जाती हूँ अपने नानी के घर, तब वहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है रास्ते में, अदरवाइज़ इतना नहीं देखने को मिलता हमें जनरली। सो देख के बहुत अच्छा लग रहा था और मैं एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था मतलब जो मैं कैप्चर नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा कैमरा सारा टाइम ऑन रहे, बट फ़ोन में प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा शूट करने में। एक तो स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है पहला, दूसरा हो जाता है चार्ज का प्रॉब्लम। तो ये दो प्रॉब्लम ना मैं हमेशा फेस करती हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। अभी मैंने फ़ोन को पूरा खाली कर लिया है ताकि मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ मिस ना हो मुझसे। सो यहाँ हम आके रुके हैं मीट एंड ईट करके, एक कैफ़े टाइप का कुछ था, तो यहाँ पर हम आके रुके हैं। यहाँ पर हम फटाफट से नाश्ता करेंगे। और हमने ना ये गाड़ी बुक कर ली है, जो टैक्सी हमें रेलवे स्टेशन से लेकर आई थी होटल तक, वही गाड़ी हमने बुक कर ली है कि वो हमें आज के दिन पूरा घुमाएंगे। सो उसका जो चार्ज हमको पड़ा था वो 3-4,000 के आसपास कुछ पड़ा था, भाई लोगों को अच्छे से पता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डोसा खाया। सो गाइस, ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया हमने और उसके बाद हम निकल गए हैं हमारे फर्स्ट प्लेस विजिट की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला विजिट वाला प्लेस है आज वो है कैलाश गिरी हिल। आपको मैं बताऊं कि अगर आपको वाइजैक की असली खूबसूरती देखनी है ना तो आपको यहाँ सबसे पहले आना चाहिए। सबसे पहले हमने वो जो टोल नाका देखा आपने, वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। 50 rupees आई थिंक चार्जेस कुछ लगता है, बाकी यहाँ पे आपको बाहर पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि वो पार्किंग का ही चार्ज ले लिए थे शायद वहाँ पे, लेकिन वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको। एंड देन यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क करके जो है वो हम अंदर जाएंगे। यहाँ का व्यू इतना सुंदर है ना कि आपको एक्चुअल में बहुत ही प्यारा व्यू और बहुत ही सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। और अगर आप वाइजैक आ रहे हैं विशाखापट्टनम तो सबसे पहला जो विज़िट करने वाला प्लेस होगा वो आपका यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। सो ये जो है ना ये एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क बनाया गया है। सो इस वजह से ये बहुत सुंदर दिखता है। थोड़ी सी आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे मैं चलते चलते मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा था, पर ठीक है थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि फिजिकली आप फिट रहिए तभी आप जो है कहीं पे भी अगर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ का मज़ा ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना तो बहुत अमेजिंग हमको व्यू देखने मिल रहा था। अगर आपको फ़ोटोशूट करवाना है तो आप यहाँ करवा सकते हो, बहुत ही सुंदर सा व्यू है। इस तरह से रेलवे ट्रैक बना हुआ, आई थिंक यहाँ पर गाड़ी चलती है जो बच्चों वाली गाड़ी होती है ना ट्रेन, वो चलती है। सो बहुत ही सुंदर था, हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके लिए आप मेरा इंस्टा आईडी देख सकते हो, उसमें मैंने फ़ोटोज़ शेयर किए हुए हैं और रील्स शेयर की हुई हैं, तो वो आप देखिएगा ज़रूर। फिर यहाँ पे जो है वो भाई फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, ये है नया भारत मोदी जी का स्टैचू जो बना हुआ है,
वहाँ पे, एंड देन फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा वेलकम कैलाश हिल, राइट। सो यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे फूड्स वगैरह भी है जो आप खा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको हॉर्सेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हॉर्सेस के ज़रिए जो है वो घुमाया जाता है वहाँ पे। सो अच्छा था, व्यू बहुत ही प्यारा था और वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा था। एक्चुअल में वेदर बहुत अच्छा था, मतलब गर्मी तो थी थोड़ी सी लेकिन ठीक था, मतलब आप यहाँ आके एडजस्ट कर सकते हो ऐसा है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमको फिर ना यहाँ पे शिव और पार्वती जी की वाइट कलर की प्रतिमा दिखी जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आई थिंक आपको अगर आप कैलाश गिरी हिल के नाम से सर्च करेंगे ना तो आपको ये प्रतिमा तो सबसे पहले दिखाई देगी। और हवा इतना सुंदर चल रहा था ना कि मतलब बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि बहुत ऊपर में है, पहाड़ पे है, सो इसलिए हवा वहाँ पे काफ़ी तेज़ होती है। सो अगर आप ऐसा कुछ लेके जा रहे हैं ना अपने साथ, तो ट्राईपॉड वगैरह, तो प्लीज़ आप ऐसे दूर से फ़ोटो वगैरह सेल्फी स्टिक से क्लिक करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इतने ऊंचाई से फिर अगर कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो आप सोच सकते हो क्या हाल होगा, तो सेफ्टी बनाए रखिएगा। बाकी व्यू आपको बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। यहाँ से ना बहुत दूर समुद्र भी दिख रहा था लेकिन धुंध की वजह से शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था, बट मैं अपनी आँखों से देख पा रही थी। सो यहाँ पे आप सिर्फ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ का मज़ा लेना है, क्योंकि मैं बीच बीच में क्लिप्स कुछ ले रही थी लेकिन मैंने यहाँ पर सीरियसली बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ की जो एक हवा थी उसका मज़ा लिया, वहाँ के व्यू का मज़ा लिया, बहुत सुंदर लगा। और शिव पार्वती के दर्शन करके तो ऑलरेडी सबके भाग्य खुल जाते हैं, तो जस्ट लाइक ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे लिखा गया है कि इस चीज़ के बारे में, फाउंडेशन वगैरह के बारे में, सो बहुत सुंदर है। अगर आप वाइजैक आते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ आपको विज़िट करना ही चाहिए। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, तो आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा आपको भी। सो गाइज, मेरा एक्चुअली आवाज़ बैठ गया है थोड़ा सा, क्योंकि कोल्ड हो गया है मुझे। सो इसके आगे की वीडियो जो है ना वो मैं आपको दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।